बड़वानी जिले में पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक अधेड़ ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुदकुशी करने के लिए नर्मदा पुलिया से छलांग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। दरअसल कुंदन नगर निवासी सुरपा जमरी ने अपनी पत्नी कला के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने आत्महत्या करने के लिए छोटी कसरावद स्थित नर्मदा पुल पर अपनी साइकिल रख नर्मदा में छलांग लगा दी। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी, जिसके चलते लाइफ स्पॉट रिंग के कारण उसकी जान बच गई। सूचना मिलते ही डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची, जहाँ व्यक्ति को पुलिस थाने लाया गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि व्यक्ति शराब पीने का आदी है और अपनी पत्नी के सिर में डंडा मार कर हत्या करने के बाद वह आत्महत्या करने गया था। सर, मेरे जीजा ने उसके साथ मारकूट करके मार डाला। क्या नाम है जीजा का? सरपा जमरे। कहाँ रहता है ये? कुंदन नगर पीरगोले के पास। क्या बहन का नाम क्या था? कला, कला बाई। क्या करा फिर जीजा ने? क्या करा मारने जीजा के बाद? क्या करा मारने के बाद? भग गया सर वो। फिर वो नर्मदा में कूद गया था। बच गया फिर? वहाँ से बचा के ले आया उसको। अभी कहाँ आएगा? अभी थाने पे सर। ये आज की घटना है? आज की घटना है। पता नहीं, मैं तो काम पे था तो अचानक से बड़ी दीदी ने फ़ोन किया और मुझे बताया कि सिस्टर मम्मी को पप्पा ने मार दिया करके, तो मुझको फ़ोन लगाया। मुझे सूचना नहीं थी, तो मैं मौके पे अभी आया तो पता चला। मारने के बाद पता नहीं कसरावत चल गए थे बोले, तो वहाँ पे कूद गए थे, तो वहाँ पे बचा लिया तो वापस यहाँ थाने पे ले। वहीं SDOP रूपरेखा यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त डंडे को जब्त कर विवेचना शुरू कर दी है। ये एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें पति पत्नी का आपस में विवाद होने से पति ने पत्नी को सर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। हाँ, एक इवेंट डायल 100 पर मिला था पुलिस को कि एक व्यक्ति नर्मदा जो पुल है कसरावत पुल, वहाँ से आत्महत्या करने की कोशिश किया है। जब डायल 100 और पुलिस वहाँ पर पहुँची है तो पुलिस व्यक्ति को हम थाने पर लाए हैं, उसकी काउंसलिंग की और पता किया कि आप क्यों कूद रहे थे वहाँ से पुल से। उसके द्वारा बताया गया कि मैंने अपनी पत्नी को डंडे से मार दिया है और वो मर गई है, इसलिए मैं भी आत्महत्या करने जा रहा था। मामला दर्ज कर लिया है? अभी घटनास्थल देखा गया है और आगे जो वैधानिक कार्रवाई है, मर कायम कर उसको कायमी की जाएगी। एक पति द्वारा अपनी पत्नी और फिर खुदकुशी का प्रयास करने के मामले से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बड़वानी से रजनीश हैनेचा की रिपोर्ट।